तो बेटा लास्ट पार्ट में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए, तो अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी कॉपी में इस तरह से लिखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप क्या करेंगे, आप नाउन का टाइटल पेज बनाएंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से आप नाउन का टाइटल पेज बनाएंगे। अब नाउन के बारे में अगर हम बात करें तो नाउन क्या होते हैं, अब आपको पता है कि नाउन क्या होते हैं कि जितने भी हमारे पास नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी हर वो चीज जिसका कोई नाम होगा वो नाउन कहलाएगा। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग के भी कोई ना कोई नाम है ना, जो हमें जिससे हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हमारे नाम ही हमें एक दूसरे से अलग करते हैं ना। तो बेटा हमारे नाम जो है, हम क्या है, हम भी नाउन है। क्यों? क्योंकि हमारे भी नाम है। इसी तरह से दुनिया में मौजूद हर वो चीज जिसका कोई नाम है वो क्या है, नाउन। तो चलें अब हम आगे इसकी नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आप जब इस तरह से टाइटल पेज बना लेंगे नाउन का, तो उसके नेक्स्ट पेज पे आप नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिमिलर आप आज की डेट डालेंगे, क्लासवर्क मेंशन करेंगे, डेफिनेशन की हेडिंग डालेंगे, फिर हम नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे। अब नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। यानी नाउन हमारे पास क्या है, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी एनिमल का, या किसी भी इसके इवन इनके अलावा और कोई भी चीज होगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, नाउन। यानी इसके अंदर आप लिविंग थिंग्स के नाउन नेम्स भी होंगे और इवन नॉन लिविंग थिंग्स भी। अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें इनकी, फॉर एग्जांपल में हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस इन्होंने दिया, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड। अली क्या है, नाम है पर्सन का, तो इट मीन्स अली क्या हुआ, नाउन। इसी तरह से अगर हम आगे देखें इसमें, फ्रेंड क्या है हमारे पास, पर्सन की क्लास को बता रहे हैं। यानी अब फ्रेंड भी हमारे पास एक क्लास है ना पर्सन की, तो इसलिए हमने फ्रेंड भी हमारे पास क्या है, नाउन। इसी तरह से अगर हम अपना सेकंड सेंटेंस देखते हैं, अब सेकंड सेंटेंस में क्या बोला है, काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। अब काउ क्या है, एनिमल का नाम है, तो इट मीन्स काउ क्या है, नाउन। अब एनिमल, एनिमल हमारे पास पर्सन की क्लास है, इसलिए हमारे पास एनिमल भी नाउन है। अब नंबर थर्ड, यू आर अ नॉटी बॉय। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास बॉय क्या है, नाउन। क्यों? बॉय भी हमारे पास पर्सन है। क्यों? इंसान तो हमारे पास पर्सन होते हैं, तो इसलिए बॉय भी हमारा क्या हुआ, नाउन। इसी तरह अगर हम नंबर फोर देखें, कराची इज अ बिग सिटी। कराची क्या है हमारे पास, नेम है, नेम ऑफ सिटी, तो इसलिए हमारे पास क्या है, नाउन। और इसी तरह से अगर हम आगे देखें सिटी, तो सिटी हमारे पास क्लास है, ये भी हमारे पास नाम आता है, तो ये हमारा क्या हुआ, नाउन। इसी तरह से अगर हम नंबर फिफ्थ इसकी एग्जांपल देखें, तो इसमें क्या कहा है, सना रीड्स अ बुक। सना किताब पढ़ रही है, इट मीन्स सना क्या है, नेम ऑफ पर्सन, तो सना नाउन हुआ। बुक क्या है, थिंग, या बुक का भी एक नाम है ना। अब हम इसको ऐसा तो नहीं है बुक को हम पेंसिल बुला लें, या बुक को हम नोटबुक कह दें, ये तो गलत हो जाएगा, बुक बुक है, तो इट मीन्स ये भी क्या है, नाउन। तो आज हमने क्या किया कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े और नाउन की डेफिनेशन पढ़ी। फिर इंशाल्लाह आगे हम इसका आगे का काम शेयर करते हैं। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, लाजमी इंडेक्स प्रिपेयर करना है। अब जैसे आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन पढ़े थे, तो अब हम उसका इंडेक्स बनाएंगे। किस तरह, आप आपकी डेट डालेंगे। अब आज आपने क्या किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन की डेफिनेशन, तो इस तरह से आप इसका इंडेक्स भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं तक रखती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।